कुछ नहीं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने आज कार्यभार संभाल लिया और इस मौके पर मंत्री आंजना से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ऋतुराज शर्मा ने। आज कैबिनेट व मंत्री परिषद की बैठक के तुरंत बाद उदयलाल आंजना ने अपना कार्यभार संभाला है। सहकारिता मंत्री के तौर पर इनकी चुनौतियों को समझते हैं, इनकी जुबानी क्या बड़ी चुनौती मानते हैं? नहीं, सेवा का अवसर दिया है राहुल जी ने माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी की सिफारिश पर, तो मैं चुनौती नहीं मानता। इस क्षेत्र में काम करता रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, किसान आदमी हूँ, तो कोई चुनौती नहीं। चुनौती तो कोई आएगी ऐसी तो उसका सामना करेंगे, बाकी सेवा का अवसर दिया है उसको पूरा करेंगे। और सहकारिता विभाग ऐसा विभाग है जो राजस्थान के कोने कोने में फैला हुआ है और विशेष करके किसानों, मजदूरों, शिल्पकारों और छोटे व्यवसायियों से ही जुड़ा हुआ मामला है। किसान कर्ज माफ़ी की बड़ी चुनौती है, आपने खुद ने कहा कि 8,000 करोड़ का जो पिछली सरकार का है वो आपको करना है और इसके अलावा पूरा करीब 18,000 करोड़ का वित्तीय भार सामने आ रहा है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? क्योंकि माली हालत उस रूप में इतनी अच्छी नहीं है। निसंदेह बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हमारे अनुभवी और यशस्वी मुख्यमंत्री पर हमें पूरा भरोसा है, वो काफ़ी अनुभवी हैं। इन सब बातों का हम एक टीम वर्क के रूप में काम करके सामना करेंगे और जो चुनौती है उसका सामना करेंगे और जो राहुल जी ने राजस्थान के किसानों से वादा किया है उसको पूरा करेंगे। तो घोषणा तो माननीय मुख्यमंत्री जी कर ही चुके हैं। आज जो प्रेजेंटेशन दिया था उसमें क्या रोड मैप वहाँ पर दिया बताया गया और कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में किस तरह से चर्चा हुई इस बारे में कि इससे कैसे निपटें? नहीं, ऐसे उसमें कैसे निपटें, इसी के लिए एक तय हुआ है आपस में कि एक समिति का गठन कर दिया जाएगा, कमेटी बन जाएगी और कमेटी जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी बना देंगे। उस कमेटी के साथ अधिकारियों से बैठ करके कमेटी के सदस्य और सभी आपस में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और कोई बिंदु छूट नहीं जाए उस पर गहनता से विचार करके इसको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अभी 2 दिन से क्षेत्र में भी था और अन्य मेरे मंत्रीगण साथी भी आज मीटिंग में आए थे, विधायकों से भी मिला था, जनता से भी मिला था, तो सबकी एक ही बात कही थी कि साहब जो डिफाल्टर होते हैं उनका तो ऋण माफ़ हो जाता है और हम रेगुलर हैं, समय पे जमा कराते हैं, उनका जमा उनको कोई राहत नहीं मिलती, तो उस बिंदु पर भी कमेटी में विचार किया जाएगा और सबको राहत दी जाएगी। तो ये हैं उदयलाल आंजना, इनका कहना है कि डिफॉल्टर के साथ साथ जो समय पर ऋण जमा कराता है उन किसानों को भी राहत देने के लिए कमेटी एक बनेगी और कमेटी पूरा विचार विमर्श करके नीति बनाकर काम करेगी। कैमरा पर्सन जितेश के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया।